राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को जीव पुत्री का बताई हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस बार 5 अक्टूबर को नहाए खाए और सुबह सूर्योदय से पहले तक उठकर और 6 अक्टूबर को सुबह से ही ज्योतियाँ लग रही है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:34 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 6 अक्टूबर को ज्योतिया व्रत मनाया जाएगा। इस व्रत को जो स्त्रियां भी करती हैं वो इस दिन 2 कथाओं को सुनती हैं, जिसमें एक कथा इस प्रकार से है। ये कथा सुनना अनिवार्य होता है। ज्यूत पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम ज्यूत पुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाने लगा। इस प्रकार ये पहली कथा समाप्त हुई। दूसरी कथा चील और सियार की कथा है। कथाओं को एक पास इकट्ठा होके कई स्त्रियां मिलकर कहती हैं और आपस में कहती और सुनती हैं। कथा कहने वाली स्त्री को अपनी चूड़ी निकाल के वहाँ रख देना चाहिए, कहते हैं कि ताकि वो भी उस कथा को श्रवण कर सके, या अगर जो व्रत वाली स्त्री नहीं जो व्रत नहीं है वो इस कथा को सारी स्त्रियों को सुना सकती है।